नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बिहार के गया में संपन्न हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, गया में एलजेपीआर की बैठक संपन्न हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश के पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 28 नवंबर को एलजेपीआर का स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बड़ा रैली का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गया की, जहां पर गया के बोध गया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। ये तस्वीरें वहां की आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस दिशा में पार्टी जाएगी, कैसे पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसको लेकर रणनीति बनी है। और 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, जो पटना के गांधी मैदान में मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर से लोग जुटेंगे। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बोधगया की पावन धरती पर, ज्ञान की धरती पर, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में हम लोग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव, सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य, और इसमें सभी हमारे जिला के, सांगठनिक रूप से हमारे 44 जिला है, सभी 44 जिला के हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर अपने पार्टी का विस्तार और आने वाला सबसे बड़ा चीज़ है कि 28 तारीख को, 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में हम लोग गांधी मैदान में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, इस बार स्थापना दिवस 28 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब पूरे बिहार के कोने कोने से, उस पर रणनीति कैसे कार्यकर्ता आएंगे उसका विचार विमर्श था। पार्टी का संगठन, पार्टी की जो हम लोग यहाँ गठबंधन में हैं, उस सब बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ है। और उसी चर्चा में आपके शहर में हम लोग आए हुए हैं और अभी मीटिंग चालू है, चूँकि आप लोगों को 2:30 बजे टाइम दिया गया था, इसलिए मैं पहले आप लोगों को संबोधन करने था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था पार्टी का 28 तारीख को हमारी रैली और हमारा संगठन, और हमको आने वाले विधानसभा में हमारे सभी प्रभारी आए हैं, जिला के जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा में हम लोग विधानसभा भी चिन्हित कर रहे हैं कि किस किस विधानसभा से पार्टी, हालांकि तैयारी तो हम लोग 243 पे कर रहे हैं, पूरा मजबूत संगठन के साथ हम लोग तैयारी एनडीए की, लेकिन पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी ये पार्टी के कोर की बैठक में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी अब इसके आगे आप लोग पूछना है तो कुछ पूछिए। 3 वर्षों पे नहीं, नहीं हमारी पार्टी, देखिए हमारी पार्टी की हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अभी देखेंगे रांची में हुई है, हमारी हर 3 महीने पे हमारी कार्यकारिणी की बैठक होती है, विभिन्न विभिन्न जिलों में होती है, पटना में भी होती है, और उसमें हम लोग पार्टी के संगठन और पार्टी की रणनीति पे हम हमेशा चर्चा करते रहे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे सभी सांसद, हमारे कोर ग्रुप के सभी लोग, हम लोग पटना में चर्चा किए थे। पार्टी का काम हमेशा चलते रहता है, पार्टी का काम रुकता नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा संगठन के प्रति हमेशा अपना काम करती रहती है। देखिए मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 5 में 5 सीट हम लोग जीतने का काम किया 100% स्ट्राइक रेट से। उसी तरह बिहार विधानसभा में हम लोग जितना सीट हम लोग को मिलेगा उस सीट पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतने का काम करेंगे। नहीं, उसमें तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, उसमें आरोप प्रत्यारोप देखिए लगाने वाले अब बहुत सारे साथी हैं, हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट सब चीज़ पे, चाहे आप वक्फ बोर्ड का हो, चाहे आप क्रिमिनल लेयर पे हो, स्पष्ट है, उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रख चुका है।
आरजेडी के नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, काम तो उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको क्या है कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनकी बात को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। पार्टी काम में विश्वास करती है और जनता जनार्दन मालिक होती है बिहार की। अब बिहार की जनमानस ने चिराग पासवान के नेतृत्व पे मुहर लगाया है और उनको 100% स्ट्राइक रेट से उनको विजय श्री दिला है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में LJPR के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगी, बिहार भर से लोग जुटेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।